जंगल में टीनू मौसी पानीपुरी का ठेला लगाती थी। बाजार में उनकी पानीपुरी बहुत बिकती थी। उनकी पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। उनके ठेले के आसपास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है। अरे मौसी, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी बनाई है, खाकर मजा आ गया। मेरी दादी का बताया हुआ महत्वपूर्ण मसाला है, उसी से इतना स्वाद आया है पानीपुरी में। हाँ, मैंने आज तक कई जंगलों में जाकर पानी पूरी खाई है, पर टीनू मौसी की पानी पूरी जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। थोड़े ही रुपए में भर पेट पानी पूरी खिलाती हैं आप। टीनू मौसी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब वह अपनी पानी पूरी और भी अच्छे से बनाती है। एक दिन टीनू मौसी घर में पानी पूरी बना रही थी, तभी कालू कौवा आता है और कहता है, अरे मौसी, कल आपके यहाँ पानी पूरी खाई, बहुत ही स्वाद थी। ऐसा कौन सा मसाला डालती हो पानी में? मेरी दादी का बताया हुआ महत्वपूर्ण मसाला है, उसी से इतना स्वाद आया है पानी पूरी में। पर मौसी, आपने एक बात सही नहीं की। भला इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी का दाम इतना कम? थोड़ा तो पानी पूरी का दाम बढ़ाओ, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं, ग्राहक मेरी पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं। अगर मैंने पानी पूरी के दाम बढ़ा दिए तो कुछ लोग जिनके पास कम पैसे होते हैं वो भी पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। ठीक है मौसी, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा था। कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरी लगन से करो, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टीनू मौसी अपने काम में व्यस्त हो जाती है और काम करते हुए सोचती है, मैं अपने ग्राहकों के साथ कोई धोखा नहीं करूंगी। आखिर मुझ पे सब इतना भरोसा करते हैं, जरा से मुनाफे के लिए मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। अगले दिन टीनू मौसी अपना ठेला बाजार में लगाती है, तभी टिंकी चिड़िया आती है और कहती है, कैसी हो टीनू मौसी, जल्दी से अपने हाथ की स्वादिष्ट पानी पूरी खिला दो। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब थी इतने दिन? अरे मौसी, शहर के पास वाले जंगल में गई थी अपनी बहन को लेने, तो कुछ दिन वही रुक गई। कल उसका जन्मदिन है, मैं आपको उसी का ऑर्डर देने आई थी। मैंने अपनी बहन के जन्मदिन पर पार्टी रखी है, मैं चाह रही थी आप अपने पानी पूरी का ठेला पार्टी में लगाएं। प्लीज आप मना मत करना। अब तुम कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी सभी को पानी पूरी खिलाने। घर बैठकर पानी पूरी तैयार करने लगती है। शाम को वह पानी पूरी लेकर पार्टी में पहुंचती है और वहां पानी पूरी का स्टॉल लगाती है। सभी मेहमान जैसे टीनू मौसी का ही इंतजार कर रहे थे। सभी टीनू मौसी के पास जाकर पानी पूरी खाने लगते हैं। पास ही में कालू कौवा अपनी मिठाइयों की स्टॉल लगाकर बैठा था। कोई भी कालू कौवे के पास मिठाई खाने नहीं जा रहा था। सभी टीनू मौसी की पानी पूरी बहुत ही शौक से खा रहे थे। कालू कौवा दूर बैठा सोचता है, ये टीनू मौसी तो सेलिब्रिटी बन गई है। देखो कैसे सभी लोग पानी पूरी खाने को टूट रहे हैं। यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं भिन भिना रही। इस टीनू मौसी का कुछ करना पड़ेगा। मैं ये दवा उनकी पानी पूरी में मिला दूंगा, जिससे कोई भी टीनू मौसी के पास नहीं आएगा। और कुछ ही दिनों बाद मैं पानी पूरी की दुकान खोलूंगा, सब मेरे पास आएंगे पानी पूरी खाने। तभी टिंकी आती है और सभी को मिंकी के पास जाने को कहती है। कालू कौवा टीनू मौसी के पास आता है और कहता है, टीनू मौसी, आपको नहीं बुलाया क्या स्टेज पर? आप भी थोड़ा एंजॉय कर लो पार्टी को। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो काम ही करूँगी ना। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं यही हूँ। टीनू मौसी उठो, देखो कल क्या हो गया है, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं, सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है और सभी ने कहा है उन्होंने आपकी पानी पूरी के अलावा पार्टी में कुछ नहीं खाया। क्या, यह क्या कह रही हो तुम? मैं बरसों से पानी पूरी का ठेला लगा रही हूँ, आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। टीनू मौसी मीनू काकी के साथ हॉस्पिटल जाती है और देखती है वहाँ सभी पक्षी बेड पर बीमार पड़े हैं। वह यह देखकर बाहर आ जाती है, तभी कालू कौवा आता है और कहता है, मौसी, यह आपने ठीक नहीं किया। जरा से मुनाफे के लिए आपने जंगल के पक्षियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इन सब की जिम्मेदार आप हैं। आपने पक्षियों की सेहत के बारे में जरा भी नहीं सोचा। टीनू मौसी कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर रोने लगती है। तभी टिंकी चिड़िया आती है और कहती है, चुप रहो कालू कौवे, अपनी हरकतों का जिम्मा तुम टीनू मौसी पर डाल रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। टीनू मौसी ने पानी पूरी में दवा मिलाई है, तभी तो इतने पक्षी आज हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं। अगर मैंने पार्टी में एक वीडियोग्राफर नहीं रखा होता तो तुम्हारी करतूत किसी के सामने नहीं आती। तुमने जो किया है वो इस कैमरे में कैद हो चुका है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कालू कौवा घबरा जाता है और टीनू मौसी और सभी पक्षियों से माफी मांगता है।
सभी पक्षी ठीक हो गए, पर कालू कौवा शर्मिंदा होने के कारण जंगल छोड़कर चला गया। टिंकी चिड़िया की नौकरी छूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर चला पाएगी। तभी मीनू काकी आती है। अरे मैं तो थक गई, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? मैं तो गुल्लू तोते के यहाँ जा रही थी, तुम्हें परेशान देखा तो यहाँ आ गई। क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं काकी, हाल ही में मेरी नौकरी चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, घर कैसे चलेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अभी मुझे गुल्लू तोते के यहाँ जाना है, मैं तुम्हारे पास शाम को आती हूँ। शाम को टिंकी चिड़िया खाना बना रही होती है, तभी मीनू काकी आती है। अरे क्या बना रही हो, बड़ी सुगंध आ रही है। कुछ नहीं मीनू काकी, थोड़े चावल रखे थे तो सोचा बिरयानी बना लूं। आप भी खाकर देखो कैसी बनी है। बिरयानी खाते ही मीनू काकी के हाव भाव बदल जाते हैं। वाह क्या बिरयानी बनाई है, मैंने मेरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहीं नहीं खाई। अरे तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा लेती? नहीं नहीं काकी, इतनी भी स्वादिष्ट नहीं है। ये बाजार में न जाने बिरयानी में क्या क्या डालते हैं, इसलिए तो उनमें इतना स्वाद होता है, और मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला। अरे टिंकी चिड़िया इतना क्या सोच रही हो, तुमने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। तुम तो खामखा फिकर कर रही हो, तुम बिरयानी का ठेला लगाओ तो सही। देखना तुम्हारी बिरयानी खाने पक्षी सभी जंगलों से आया करेंगे। ठीक है काकी, आप कह रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ। टिंकी चिड़िया दूसरे ही दिन बाजार में बिरयानी का ठेला लगा लेती है। उसी के पास कालू कौवे का भी बिरयानी का ठेला था। अरे टिंकी चिड़िया आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं कालू भैया, नौकरी चली गई है, सोचा घर चलाने के लिए बिरयानी का ठेला लगा लूं। अच्छा पर यहाँ के सभी पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी ही पसंद है, क्या पता तुम्हारी भी पसंद आ जाए। पहले ही मेरी बिरयानी नहीं बिक रही, ऊपर से ये टिंकी चिड़िया ने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया, कहीं ये मेरा काम बिल्कुल बंद ना करा दे। अरे टिंकी मेरे लिए जरा एक प्लेट बिरयानी तो लगा दो। हाँ हाँ ताई अभी लगा देती हूँ। टिंकी चिड़िया नीलू ताई को बिरयानी की प्लेट लगाकर दे देती है। बहुत स्वादिष्ट बनाई है, एक और पैक कर दो मेरे बेटे के लिए। टिंकी चिड़िया नीलू ताई को एक और प्लेट बनाकर दे देती है। नीलू ताई वहां से चली जाती है। टिंकी चिड़िया का काम अच्छा चलने लगता है, जिससे कालू कौवा टिंकी चिड़िया से जलने लगता है। टिंकी चिड़िया कालू कौवे से कम दाम में बिरयानी बेचती थी, और सभी पक्षी कम दाम में ज़्यादा स्वादिष्ट बिरयानी खाने आते थे। टिंकी चिड़िया के कम बिरयानी के दाम देखकर कालू कौवा भी टिंकी चिड़िया की तरह ही कम दाम में बिरयानी बेचने लगा। टिंकी चिड़िया ने उसे नज़रअंदाज किया। समय बीतता है और टिंकी चिड़िया का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है। इन दिनों बिरयानी अच्छी बिक रही है, मेरा बिरयानी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जल्दी ही घर की मरम्मत करवा लूंगी। टिंकी चिड़िया रात को ही बाजार से सभी बिरयानी के जरूरी सामान लाती थी और सुबह जल्दी उठकर बिरयानी बनाती। ये टिंकी चिड़िया तो कुछ ही दिनों में आसमान छू रही है, जिसका डर था वही हुआ। ये टिंकी चिड़िया ने मेरा सारा काम ठप कर दिया, मैं कैसे इसका ठेला बंद करवा दूं। कालू कौवा सोचता है कि कैसे वह टिंकी चिड़िया का काम रोक सके। तभी उसे आइडिया आता है। रात हो जाती है, कालू कौवा टिंकी चिड़िया के घर की खिड़की के बाहर खड़ा होता है। टिंकी चिड़िया को सोता हुआ देख कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है और सारे चावल चुरा कर ले जाता है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया बिरयानी बनाने जाती है। अरे चावल तो खत्म हो गए हैं, अब क्या करूं? आज तो मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगी, बिरयानी बनाने में समय लगता है, और अभी अगर मैं बाजार चावल लेने गई तो भी मुझे बहुत देर हो जाएगी।
कल ही मैं ठेला लगाती हूँ। उस दिन कालू कौवे की बिक्री बहुत अच्छी हुई थी। टिंकी चिड़िया बाजार से चावल लाकर रख लेती है। कल सुबह जल्दी उठकर बिरयानी बना लूंगी, वरना मैं आज की तरह फिर से ठेला नहीं लगा पाऊंगी। रात हो जाती है और टिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है। तभी कालू कौवा खिड़की से फिर से अंदर आ जाता है और बिरयानी का मसाला चुरा कर ले जाता है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया फिर परेशान हो जाती है। वह देखती है कि बिरयानी का मसाला नहीं होता। अरे अब क्या करूं? बिना बिरयानी मसाला के तो मैं बिरयानी नहीं बना पाऊंगी। अब फिर से आज मुझे ठेला नहीं लगाना होगा, कल ही ठेला लगाऊंगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कालू कौवे की बिक्री अच्छी होने लगी। कालू कौवे ने एक बिरयानी के दाम भी बहुत बढ़ा दिए थे। अब कम ही पक्षी उसके ठेले पर आने लगे। तभी मीनू काकी टिंकी चिड़िया के घर आती है। अरे टिंकी चिड़िया, इतने दिनों से तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा रही हो? क्या बताऊं मीनू काकी, मैं हर रोज बिरयानी का सामान रात को ही लाकर रख देती हूं, ताकि मैं सुबह उठकर जल्दी ही बिरयानी बना सकूं। पर हर सुबह जैसे ही मैं उठकर देखती हूं, तो बिरयानी बनाने का कुछ ना कुछ सामान गायब हो जाता है। मैं परेशान हो गई काकी, कभी कुछ गायब हो जाता है और कभी कुछ। मुझे लगता है ये कालू कौवा तुम्हारे सामान चुरा रहा है। तुम फिक्र मत करो, आज हम एक प्लान बनाते हैं कैसे हम उस चोर को पकड़ें। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे आगे तुम्हारा सामान चुराता है। आज हम सभी सामानों में गुलाबी रंग डालेंगे। अगर यह कालू कौवे ने चुराया है तो उसके चावल में गुलाबी रंग जरूर मिलेगा। उस दिन रात को मीनू काकी और टिंकी चिड़िया थोड़ा थोड़ा सभी सामानों में गुलाबी रंग डाल देती है। सुबह हो जाती है और इस बार फिर से टिंकी चिड़िया के चावल गायब हो जाते हैं। तभी मीनू काकी आ जाती है। मीनू काकी, मेरे चावल गायब हो गए हैं। हम देखते हैं कि कालू कौवे के चावल में गुलाबी रंग है या नहीं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कालू कौवे की पूरी बिरयानी गुलाबी रंग की है। तो तुम हो जो टिंकी चिड़िया के बिरयानी के सामान चुराता है। कालू कौवा टिंकी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टिंकी चिड़िया, मैंने ही तुम्हारे सभी बिरयानी के सामान चुराए हैं। कालू कौवा सभी के सामने टिंकी चिड़िया से माफी मांगता है। टिंकी चिड़िया भी उसे माफ कर देती है। दोनों ही बाजार में अब बिरयानी का ठेला लगाते हैं। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।